सलाम अलैकुम। तो यानी आज है पछतावे का दिन, तो आज हम पछताएंगे कि डाला रे डाला खान साहब को वोट काहे को डाला रे बाबा। यानी खान साहब को डाला हुआ वोट इस टाइम गले में फंसी हुई वो हड्डी बन चुका है, जो ना नीचे जा रही है और ना ऊपर आ रही है। ये हड्डी मुझको बंग जलील करवा रही है। यानी आपको पता है कि मुल्क के हालात बहुत खराब है। एक तरफ कोको कोना शरीफ आया हुआ है, दूसरी तरफ ये नुस्खों वाला मौलवी आया हुआ है। नुस्खा मेरा स्पेशल इमरान खान साहब वास्ते है। तो यानी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इस टाइम गैस करो हमारी हुकूमत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, पबजी बैन कर दो। यानी एक तो पहले ही लॉकडाउन है, और लॉकडाउन में तीन चीज़ों के अलावा करने के लिए कुछ है भी नहीं है। मसलन मम्मा की बातें, पप्पा के ताने, पबजी में थोड़ी सी तबाही मचाने, जिंदगी कट रही है इसी बहाने। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट लगी है पबजी को बैन कराने। खान साहब मनिया के कर्जा लाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसी सुकून के वास्ते थोड़ी पबजी भी खेलना चाहते हैं, सानू प्लीज़ सुकून कर लें दे। जो सुकून की जिंदगी वो सिर्फ कब्र में होती है। बढ़ गए ले आ गल करके तो खान साहब ने छापरी चाड़ लिया। जानी ये पबजी बैन वाली बात पहले मैं इसे सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन जब ये 2 आवर वाली नोटिफिकेशन आनी शुरू हुई ना, तो मैं कहा फिर इमरान जानी जानी ये 2 आवर वाली नोटिफिकेशन देख के ना मैं तो टेंशन में आ गया। मैं कह लो जी पबजी बैन होने लगी है। मैं दस्ती खान साहब को कहा, मैं खान साहब हम नहीं चाहते पबजी बैन हो, हमें बताएं हम क्या करें। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ओए दाऊदे, खान साहब कह रहे हैं घबराना नहीं है। हेलो दाऊदे बोल नहीं रहा। हेलो दाऊदे आवाज़ नहीं आ रही। हेलो ओए यार ये माइक बंद हो गया। खान साहब आपने कहा था घबराना नहीं है, लेकिन ना हूँ नहीं हूँ सानू घबरान दे हूँ साडा बनता है। यानी आए जानते हैं लोगों से कि उनका ये पबजी बैन के बारे में क्या नजरिया है। चाचा जी पबजी को हुकूमत बैन कर रही है, इसे और नहीं चलने देना, ये सही है? चलनी चाहिए ना चली ना देखी रक्षे नु आग ला देंगे बंद कर रक्षे बंद कर देंगे साडे वास्ते बहुत मुश्किल होगी रोजी कमाना बहुत मुश्किल सानू ये सारी लैन देंगे। तो यानी ये थी हमारे रिपोर्टर मुख्तारिया की रिपोर्ट। बहुत मेहरबानी मुख्तारिया। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तो लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। लोग कह रहे हैं अगर पबजी बैन होगी तो हम गाड़ियों को आग लगा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। यानी पबजी बैन को लेके आपने जरा भी परेशान नहीं होना है। देखें आपका भाई आपके साथ खड़ा है। मैं ये कहता हूँ कि बस आप एहतियात करो। सब के लिए जरूरी है कि आप इसके लिए एहतियात करें। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह हम ये जंग जीतेंगे। और ये मेरे जितने भी भाई कॉन्करर एस और क्राउन वाले हैं, मैं खास तौर पे आज आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि आपने एक जहाद लड़नी है। हम आपकी पूरी मदद करेंगे जिस तरह की आपको फैसिलिटीज चाहिए। मसलन कोई डांग सोटा एक टरोड़ा जो भी आपको इक्विपमेंट चाहिए हो वो हम अभी से तैयारी कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको ये पूरी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। यानी ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है, इससे आप में से कोई प्लीज ऑफेंड ना होना। मैं खुद इमरान खान साहब का सपोर्टर हूँ। और रही बात पबजी बैन की, तो यानी VPN किस चिड़िया का नाम है, तुम लोगों को पता ही, इतने बच्चे तो हो नहीं, पहले भी तो VPN यूज़ करते ही हो, तो बस VPN लगाओ, पबजी भगाओ, याशी मारो। तो यानी अगर आपका माइक अभी भी नहीं ना चल रहा है तो सिंपली डिस्कॉर्ड नामी ऐप को डाउनलोड करो, उसमें लॉगिन करो, अपने दोस्तों को ऐड करो। पबजी के स्पीकर माइक की ज़रूरत ही नहीं है, सारे गेमर्स डिस्कॉर्ड यूज़ करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट पार्ट मेंशन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस तो मडा ठहटे।